गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN एजुकेशन चैनल। दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ क्लास 6th हिस्ट्री, चैप्टर 8, वाइटल विलेजेस थ्रिविंग टाउन्स, पेज नंबर 82। द क्लेवर पुअर मैन, यहाँ पर एक स्टोरी दी है क्लेवर पुअर मैन की। वंस अपॉन ए, जो जताका स्टोरी से ली गई है, वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज अ क्लेवर पुअर यंग मैन हु लिव्ड इन अ सिटी। एक बार एक पुअर यंग मैन था जो कि सिटी में रहता था। हिज ओनली रिसोर्सेज वॉज अ डेड रैट, उसके पास एक ही रिसोर्स था केवल, डेड रैट थे उसके पास। ही स्टार्टेड ऑफ बाय सेलिंग इट फॉर अ कॉइन टू अ होटल फॉर देयर कैट। उसने उन्हें सेल करना स्टार्ट किया, एक होटल थी वहाँ पर एक कॉइन के बदले एक रैट को देता था उनकी कैट्स के लिए। देन वन डे देयर वॉज अ स्टॉर्म, एक दिन बहुत जो तूफान आंधी जैसी आई तेज। द किंग्स गार्डन वॉज लिटर्ड विथ ब्रांचेज एंड लीव्स, किंग के जो वहाँ के किंग थे उनके गार्डन में सभी दूर ब्रांचेज और लीव्स बिखरी हुई थी। एंड द गार्डनर वॉज एट अ लॉस एज हाउ टू क्लियर द मैस, और गार्डनर को बहुत लॉस हुआ था और ये देख रहा था गार्डनर कि इसको कैसे क्लियर किया जाए। द यंग मैन ऑफर टू क्लीन द गार्डन इफ ही कुड कीप द वुड एंड लीव्स, यंग मैन ने उसे ऑफर किया कि वह गार्डन को क्लीन करेगा अगर वह उन्हें सभी वुड और लीव्स दे देगा। द गार्डनर एग्रीड एट वंस, जो गार्डनर था वो एग्री हो गया। द यंग मैन राउंडेड अप ऑल द चिल्ड्रन हु वर प्लेइंग, जो यंग मैन था वो सभी ओर से जो चिल्ड्रन खेल रहे थे उन्हें इकट्ठे करके लेकर आए। विथ एन ऑफर ऑफ स्वीट्स फॉर एवरी स्टिक, और उन्हें एक ऑफर दिया कि हर एक स्टिक और लीव के बदले में वे उन्हें स्वीट्स देंगे। दे कुड कलेक्ट, जो भी वे चिल्ड्रन कलेक्ट करेंगे। इन नो टाइम एवरी स्कार्प हैड बीन नीटली पाइल्ड नियर द एंट्रेंस, और एंट्रेंस से जो ग्राउंड था उसे पूरा क्लियर कर दिया था चिल्ड्रन ने। जस्ट देन द किंग्स वाटर वॉज ऑन द लुक आउट फॉर फ्यूल विथ विच टू बेक हिज पॉट्स, उसी टाइम जो किंग के पॉटर थे वे पॉट्स को बेक करने के लिए कुछ फ्यूल ढूंढ रहे थे। सो ही टुक द होल लॉट एंड पेड द यंग मैन फॉर इट, तब उन्होंने यंग मैन ने पूरा जो लॉट था ब्रांचेस का और लीव्स का उन्हें दे दिया। और यंग मैन नाउ थॉट ऑफ अनदर प्लान, अब जो यंग मैन था उन्होंने एक अनदर प्लान सोचा। ही कैरीड ए जार फुल ऑफ वाटर टू द सिटी गेट, वे सिटी गेट पर वाटर का फुल जो जार है वो लेकर बैठ गए। एंड ऑफर वाटर टू 500 ग्रास कटर्स, और जो 500 ग्रास कटर्स थे उन्हें वाटर ऑफर किया। दे वर प्लीज्ड एंड सैड, उन्होंने जो ग्रास कटर थे उन्होंने कहा यू हैव डन एज गुड टर्न, कि तुमने जो किया उसके बदले में तुम्हें अच्छा मिलेगा। टेल अस व्हाट कैन वी डू फॉर यू, हमें बताओ कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। ही रिप्लाइड आई विल लेट यू नो वैन आई नीड योर हेल्प, कि मैं उसने जो यंग मैन था उसने कहा कि मैं ये तुम्हें तब बताऊँगा जब मुझे तुम्हारी हेल्प की नीड होगी। ही देन मेड फ्रेंड्स विद अ ट्रेडर, उसके बाद उसने कई जो ट्रेडर्स थे उन्हें अपना फ्रेंड बनाया, व्यापारियों को अपना फ्रेंड बनाया। वन डे द ट्रेडर टोल्ड हिम, एक दिन जो ट्रेडर था उन्होंने यंग मैन को बताया टुमारो अ हॉर्स डीलर इज कमिंग टू टाउन विद 500 हॉर्सेज, कि एक जो हॉर्स डीलर है 500 हॉर्सेस के साथ सिटी में आ रहा है, एक जो ट्रेडर है उसने ये बताया। हियरिंग दिस आर यंग मैन वेंट बैक टू द ग्रास कटर्स, इसको सुनकर जो यंग मैन था वो ग्रास कटर्स के पास गया। ही सेड प्लीज़ गिव मी अ बंडल ऑफ ग्रास ईच, कि मुझे ग्रास के बंडल दीजिए। एंड डोंट सेल योर ग्रास टिल माइन इज सोल्ड, और तब तक अपनी ग्रास को सेल मत करना जब तक जो ग्रास बंडल सेल नहीं हो जाए। दे एग्रीड एंड गेव हिम 500 बंडल्स ऑफ ग्रास, वे एग्री हो गए और उन्होंने 500 बंडल्स ग्रास के यंग मैन को दिए। व्हेन द हॉर्स डीलर कुड नॉट बिजी ग्रास एनीवेयर एल्स ही परचेज द यंग मैन्स ग्रास फॉर 1000 कॉइन्स, जब हॉर्स डीलर ने देखा कि उसे कहीं से भी ग्रास नहीं मिली उसने यंग मैन से 1000 कॉइन्स में ग्रास परचेज की। व्हेन वी कैन यूज़ अदर काइंड ऑफ एविडेंस टू फाइंड आउट अबाउट लाइफ इन सम ऑफ दीज अर्ली सिटीज़, हम कई ऐसे एविडेंस देख सकते हैं जो कि हमें अर्ली सिटीज़ के बारे में बताते हैं। स्कल्पचर कार्ड सीन्स डिपिक्टिंग पीपल, स्कल्पचर जो मूर्ति बनाने वाले होते हैं वे कई सीन्स को भी बनाते थे। लाइव्स इन टाउन एंड विलेज के जो पीपल हैं
उनकी लाइफ कैसी थी विलेज में रहने वालों की और टाउन्स में रहने वालों की एज वेल एज इन द फॉरेस्ट और फॉरेस्ट में रहने वालों की. मैनी ऑफ दिस स्कल्पचर वर यूज टू डेकोरेट रेलिंग्स और बहुत से स्कल्पचर रेलिंग जो होती हैं उन्हें डेकोरेट करते थे पिलर्स और गेटवे को, किसी भी बिल्डिंग के गेटवे और पिलर्स को भी डेकोरेट करते थे. दैट वर विजिटेड बाय द बाय पीपल, जिसे कि पीपल विजिट करते थे. मैनी ऑफ सिटीज़ दैट डेवलप फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स अगो वर कैपिटल ऑफ द महाजनपद. बहुत सी सिटीज़ डेवलप हुई थी 2500 ईयर्स अगो में और कई महाजनपद की कैपिटल थी. जो भी महाजनपद बनाए जाते थे, जनपद से जो बड़े होते थे उन्हें महाजनपद कहा जाता था और उनकी कैपिटल्स होती थी. एज वी हैड सीन सम ऑफ दीज सिटीज़ वर सराउंडेड बाई मैसिव फोर्टिफिकेशन वॉल्स. कई जो सिटी होती थी वे चारों तरफ से फोर्टिफिकेशन वॉल्स से सराउंडेड होती थी, चारों तरफ से किलेबंदी की जाती थी. इन मैनी सिटीज़ आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड रोज ऑफ पॉट्स. बहुत सी सिटीज़ में आर्कोलॉजिस्ट ने को पॉट्स की रोज मिली है, सेरेमिक रिंग्स मिली हैं जो कि एक के ऊपर एक अरेंज की गई थी. दीज आर नोन एज रिंग वॉल्स. इन्हें रिंग वॉल्स कहा जाता है. दीज सीम टू हैव बीन यूज एज टॉयलेट्स इन सम केसेस. इन्हें कुछ केसेस में टॉयलेट्स में यूज़ किया जाता था. एंड ड्रेन्स एंड गार्बेज डम्प्स, और ड्रेन्स और जो गार्बेज डम्प्स बनाए जाते हैं वहाँ पर इन सेरेमिक रिंग्स को यूज़ किया जाता था. दीज रिंग्स वर यूजअली फाउंड इन इंडिविजुअल हाउस. ये कुछ इंडिविजुअल हाउसेज में भी इस तरह की रिंग्स मिली हैं, रिंग वेल्स मिले हैं. वी हैव हार्डली एनी रिमेन्स ऑफ पैलेसेज. हमें पैलेसेज के जो रिमेन्स बहुत कम मिले हैं. मार्केट और अदर होम ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. पर सम आर येट टू बी डिस्कवर्ड बाय आर्कोलॉजिस्ट. कुछ को आर्कोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है. अदर मेड ऑफ वुड. जो हाउस होते थे या कोई बिल्डिंग्स होती थी वे वुड के भी बनाए जाते थे, मड ब्रिक को यूज़ करके, और थेस्ट हाउस बनाए जाते थे. मे नॉट हैव सर्वाइव. वे अभी तक सर्वाइव नहीं कर पाए. अनदर वे ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट अर्ली सिटीज इन फॉर्म द अकाउंट ऑफ सेलर्स एंड ट्रेडर्स ट्रेवलर्स हु विजिट देम. और कई सिटीज़ के अकाउंट्स और मिले हैं जो कि किसी सेलर ने या ट्रेवलर जो कि किसी सिटी को विजिट करने आते थे. वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड अकाउंट दैट हैज़ बीन फाउंड वॉज बाय नो अननोन ग्रीक सेलर. एक अकाउंट मिला है जो कि एक अननोन ग्रीक सेलर का ही डिस्क्राइब्ड ऑल द पोर्ट्स ही विजिट. उन्होंने जितने भी पोर्ट्स देखे, उसको जो भी उन्होंने पोर्ट्स को विजिट किया उसको डिस्क्राइब किया. फाइन भरूच ऑन मैप 7 एंड देन रीड इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी. द स्टोरी ऑफ बैरिक गाजा, द ग्रीक नेम ऑफ भरूच. भरूच जो है उसका एक यहाँ पर स्टोरी बताई है. बैरिक गाजा जो स्टोरी थी, द गल्फ इज वेरी नैरो एट बैरिक गाजा. जो बैरिक गाजा था वहाँ की जो गल्फ होती थी, जो खाड़ी बनी थी, वो काफ़ी नैरो थी एंड वेरी हार्ड टू नेविगेट फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द सी. ships had to be steered in by skillful and experienced local fishermen who were employed by the king. यहाँ पर बहुत से local fishermen थे जो कि king के employ होते थे. the imports into बैरिक गाजा वर, जो भी बैरिक गाजा से import किया, तो बैरिक गाजा में import किया जाता था wine, copper, tin, lead, coral, topaz, cloth, gold और silver. और जो silver coins होते थे इन्हें import किया जाता था. और export करने वाली things में थे टाउन के जो भी इंक्लूडेड प्लांट्स होते थे, हिमालय से मिलने वाले आइवरी, एगेट, कार्नेलियन और कॉटन, सिल्क और परफ्यूम को एक्सपोर्ट किया जाता था. स्पेशल गिफ्ट वर ब्रॉड बाय मर्चेंट फॉर द किंग. जो मर्चेंट होते थे वे किंग के लिए स्पेशल गिफ्ट लाते थे. दीज इंक्लूडेड वेसल्स ऑफ सिल्वर, सिंगिंग बॉयज. उनमें सिल्वर की वेसल्स होती थी, सिंगिंग बॉयज़ होते थे, ब्यूटीफुल वुमेन होती थी, फाइन वाइन और फाइन क्लोथ होते थे जो कि गिफ्ट दिए जाते थे किंग को. पंच मार्क कॉइन्स. यू मे हैव नोटिस्ड हाउ वेल्थ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स इन द स्टोरी ऑफ पेज 82. आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल थाउजेंड ऑफ कॉइन्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड. आर्कोलॉजिस्ट को बहुत से ऐसे कॉइन्स मिले हैं जो कि इस पीरियड को बिलोंग करते हैं. पंच मार्क कॉइन, द अर्लीस्ट कॉइन्स विच वर इन यूज वर अबाउट 500 ईयर्स. अर्लीस्ट कॉइन जो कि 500 ईयर्स पहले यूज़ किए जाते थे, ये पंचमार्क कॉइन थे. पंचमार्क कॉइन, पंचमार्क कॉइन्स वर जनरली रेक्टेंगुलर और समटाइम्स स्क्वायर. पंचमार्क कॉइन रेक्टेंगुलर भी होते थे और कई बार स्क्वायर और या राउंड शेप में होते थे. एदर कट आउट ऑफ मेटल शीट और मेड आउट ऑफ फ्लैटेंड मेटल ग्लोबल्स.
द कॉइन्स वर नॉट इंस्क्राइब्ड, कॉइन्स को इंस्क्राइब नहीं किया गया था, बट वेरी वेयर स्टैम्प्ड विद सिंबल्स यूजिंग डाइज और पंचेस, उन्हें पंच करके उन कॉइन को बनाया जाता था, पंच मार्क कॉइन, हैंस दे आर कॉल्ड पंच मार्क कॉइन, इसलिए इन्हें पंच मार्क कॉइन कहा जाता था। दीज कॉइन्स आर फाउंड ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ये सब कॉन्टिनेंट के करीब सभी पार्ट्स में पंच मार्क कॉइन देखने को मिलते हैं एंड रिमेन द सर्कुलेशन टिल द अर्ली सेंचुरी CE। सिटीज़ विद मैनी फंक्शंस